नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पे। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक नव भारती में संकलित पाठ 8 ग्राम श्री के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम श्री एक कविता है जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए थोड़ा सा कवि का परिचय जान लेते हैं, इसका इनका जीवन परिचय देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कवि का जन्म जो है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में सन 1900 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो अल्मोड़ा में ही हुई थी। बाद में इन्होंने उच्च शिक्षा जो थी, बाद की जो शिक्षा थी, इन्होंने बनारस और इलाहाबाद से प्राप्त की थी। और इनका निधन जो था वो 28 दिसंबर सन 1977 में हुआ था। तो इनकी काव्य रचनाएँ देख लेते हैं। उनकी जो काव्य रचनाएँ थी उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, वीना, ग्रंथी, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवानी, ग्रामे, स्वर्णकिरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, लोकायतन। ये कुछ इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनमें से जो इनकी कला और बूढ़ा चांद है रचना है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और चिदंबरा इनका इनकी रचना है, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था। और इनकी भाषा खड़ी बोली है। तो आइए बच्चों, आज की कविता हम शुरू करते हैं ग्रामश्री। तो ग्रामश्री में हम देखते हैं कि इसमें कवि जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। जो ग्रामश्री कविता है इसमें कवि ने वसंत ऋतु के आगमन पर, जब वसंत ऋतु आता है तो उसके आने पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या कैसा कैसा कैसे कैसी चेंजिंग आती हैं पूरे वातावरण में, तो वो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए बच्चों पहले इसकी हम पढ़ते हैं, पहला पद्यांश पढ़ते हैं इसका। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक, श्याम भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो ये इसका पहला पद्यांश है। इसके हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएगा तलक। तलक का अर्थ हो गया तक। उसके बाद इसमें आ जाएगा रवि। रवि, रवि का अर्थ हो गया सूरज। तन, तन का अर्थ हो गया शरीर। हरित, हरित का अर्थ हो गया हरे भरे। रुधिर, रुधिर हो गया रक्त, खून। श्यामल, श्यामल हो गया गहरा हरा रंग। भू, भू हो गई धरती। नभ, नभ हो गया आकाश। चिर, चीर हो गया लंबे समय से। नील, नील हो गया नीला। फलक, फलक हो गया आकाश, या हम फलक को पर्दा भी कह सकते हैं। तो आइए बच्चों पहले इसकी प्रसंग कर लेते हैं। आपने प्रसंग किस तरह से लिखनी है इसकी, तो आपने इसकी प्रसंग कुछ इस प्रकार से लिखनी है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित कविता ग्राम श्री से ली गई हैं। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। यहाँ तक आपने इसका प्रसंग लिखना है। उसके बाद आपने संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपने ये बताना है कि जो कवि है उसने इस पद्यांश में क्या कहा है। तो संदर्भ में आप बता सकते हो कि इसमें कवि ने हरे भरे खेतों का वर्णन किया है। ठीक है, तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि क्या कह रहे हैं, पहला जो पद्यांश है इसमें कवि जो है वो क्या कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में जो है वो कवि कह रहे हैं कि दूर खेतों में दूर दूर तक हरी भरी फसलों की मखमल शोभा फैली हुई है। कहने का मतलब ये है कि वसंत ऋतु के आने से जो खेत है वो खेतों में फसलें लग गई हैं और खेत जो है फसलों के कारण हरे भरे हो गए हैं।
सुबह सवेरे जब सूरज की किरणें उन पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि उन पर चांदी जैसी उजली जाली सी लिपट गई है। जब सुबह सुबह, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही सुबह होती है, सुबह सुबह जैसे ही सूरज की किरणें उन फसलों पर गिरती हैं तो ऐसे लगता है कि उन फसलों पर एक चांदी की जैसी जाली बन गई है। उन फसलों पर सुबह सुबह सूरज की किरणों के गिरने के कारण ऐसे लगता है कि उन फसलों पर चांदी के जैसी जाली सी बन गई है और फसलों के हरे भरे तन पर धूप की चमक ऐसी लग रही है जैसे उनमें विद्यमान उनका हरा रक्त निरंतर प्रवाहित हो रहा हो। इसमें यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है कि जो धूप फसलों, जब धूप की चमक जो है वो फसलों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो उन फसलों पर उनका हरा हरा रक्त जो है वो चल रहा हो, उन पूरी फसलों पर हरा हरा रक्त जो है वो प्रवाहित हो रहा हो। उसके बाद यहाँ पे कवि कह रहा है कि फसलों का रंग जो है गहरा हरा है, मतलब फसलों का जो रंग है वो डार्क ग्रीन है, जिसके कारण धरती का तल भी कैसे लग रहा है, बिल्कुल गहरा हरा रंग उसकी लग रहा है जो शामल प्रतीत हो रहा है। मतलब उसका रंग जो है वो बिल्कुल कैसा लग रहा है, डार्क ग्रीन जो है वो धरती का रंग भी लग रहा है। क्यों धरती का रंग ऐसा लग रहा है गहरा हरा, क्योंकि जो फसलें हैं वो गहरे हरे रंग की हैं, जिसके कारण पूरी धरती जो है वो गहरे हरे रंग की लग रही है, जिस पर सदा की तरह स्वच्छ नीला आकाश झुका हुआ सा दिखाई दे रहा है। और इन फसलों पर और ये गहरी हरे रंग की जो फसलें हैं इन पर हमेशा की तरह जो नीला आकाश है वो ऐसा लग रहा है कि वो इन फसलों पर झुका हुआ है, इस तरह से प्रतीत हो रहा है। तो बच्चों ये थी इसकी व्याख्या। अब देखते हैं इसके भाव। भाव में आपने क्या लिखना है, भाव में आपने लिखना है कि हरी भरी फसलों के खेतों पर स्वच्छ नीला आकाश झुका हुआ है, कि जितनी भी खेतों में हरी भरी फसलें हैं उन पर जो नीला आकाश है वो झुका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। अब आइए देखते हैं इसका दूसरा पद्यांश। दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकनियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाकत गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो बच्चों आइए हम देखते हैं इसमें इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले आ गया रोमांचित। रोमांचित का अर्थ हो गया यहाँ पे रोमांच से भरा हुआ, या हम पुलकित भी बोल सकते हैं। वसुधा, वसुधा मतलब धरती। अरहर, अरहर एक प्रकार का पौधा होता है, अरहर का पौधा। उसके बाद सनई, सनई जो है सनई होती है जिसकी शाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है। सनई भी एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी शाल का जो रेशा होता है उससे रस्सी बनती है। किंकनिया, किंकनिया हो गया करघनी। करघनी का अर्थ हो गया यहाँ पे कमर पर बांधने वाला आभूषण, जो कमर पर सोने का आभूषण बांधते हैं उसको हम करघनी कहते हैं। तैलाकत हो गई तेल से युक्त, तेल से बने हुए। तीसी, तीसी हो गया अलसी नामक तेलहन। अलसी नामक एक पौधा होता है ये, जिसे तेल निकाला जाता है। तो बच्चों अब देखते हैं इसके प्रसंग किस प्रकार से लिखनी है। प्रसंग आपने वैसे ही लिखनी है जैसे आपने पहले वाली पद्यांश में प्रसंग लिखी थी, प्रसंग वैसे ही आपने लिखनी है। अब आपने उसके प्रसंग लिखने के बाद आपने इसमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ जो है वो इस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे। इसमें कवि जो है वो क्या कह रहे हैं, इसमें कवि ने वसंत ऋतु के आने पर गांव में खेतों में होने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है। इस पद्यांश में कवि ने वसंत ऋतु के आने पर, जैसे वसंत ऋतु आता है तो उसमें जो गांव के खेत हैं उनमें जो जो परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन इस पद्यांश में कवि ने किया है। तो आइए देखते हैं हम इसकी व्याख्या। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं, इसमें कवि कह रहे हैं कि जो गेहूं, जो की फसलों पर बालियां लग गई हैं जिसके कारण सारी धरती रोमांचित सी लग रही है, अरहर और सनई पर सुनहरे रंग की बालियां लग गई हैं जो करघनी के समान अत्यंत ही सुंदर लग रही हैं, सारे खेतों में सरसों के तेल जैसी भीनी भीनी खुशबू फैल गई है, पीली पीली सरसों हर तरफ फैली हुई है,
लो जरा देखो, हरी भरी धरती पर अलसी के पौधों पर नीली नीली कलियां भी झांकने लगी हैं। अब इसमें कवि जो हैं वो क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि खेतों में गेहूं और जौ की फसलें, जो फसलें हैं वो लग चुकी हैं, उन पर जो छोटी छोटी बालियां आ गई हैं, मतलब जो गेहूं और जो होते हैं ना, जब पौधों पर उससे लगने से पहले जो छोटे छोटे फूल होते हैं ना, जो छोटे छोटे उस पर फूल लगते हैं, जैसे हम कोई भी फ्रूट ले लो, जैसे अमरूद ले लो, जैसे अमरूद के लगने से पहले उस पर छोटे 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 फूल लगते हैं, तो वैसे ही गेहूं और जौ पर छोटी छोटी बालियां लग गई हैं और अभी वो गेहूं में परिवर्तित हो और जो में परिवर्तित हो जाएंगी, और जिसके कारण सारी धरती रोमांचित सी लग रही है। रोमांचित सी लग रही है मतलब सारी धरती जो है वो खुशी से झूम उठी है, और अरहर और सनई पर सुनहरे रंग की बालियां लग गई हैं। अरहर और जो सनई के पौधे हैं उन पर गोल्डन गोल्डन कलर की, जो गोल्डन रंग है, सुनहरा मतलब गोल्डन रंग जो है, उस रंग की बालियां लग गई हैं जो करघनी के समान अत्यंत ही बहुत ही सुंदर लग रही है। करघनी मैंने पहले बताया आपको कि करघनी होता है कमर पर बांधने वाला एक आभूषण होता है जिसको हम करघनी कहते हैं, तो यहाँ पे जो वो बालियां जो हैं गोल्डन कलर की बालियां हैं उसका कंपेयर यहाँ पे कवि ने करघनी से किया हुआ है। तो वो बोल रहा है कि जिस तरह से कमर पर करघनी जो है वो अत्यंत सुंदर लगती है, उसी प्रकार से जो बालियां हैं, जो ये अरहर और सनई की बालियां हैं, वो भी करघनी के समान ही अत्यंत सुंदर लग रही हैं। और जो सारे खेतों में सरसों लग चुकी है, जिसके कारण सरसों की जो तेल की जो भीनी खुशबू होती है वो चारों तरफ फैल गई है। और अब आगे कवि कहता है कि जरा देखो कि हरी भरी धरती पर अलसी के पौधों पर भी नीली नीली कलियां भी झांकने लगी हैं। और कवि कह रहा है कि जो हरी भरी धरती है उस पर जो अलसी के पौधे लगे हैं उस पर भी नीली नीली कलियां जो हैं वो लगने लग गई हैं। तो ये इसकी व्याख्या थी। तो अब आइए इसका भाव देख लेते हैं। भाव में आपने लिखना है इसका क्या भाव है। भाव ये है कि हरे भरे खेतों में रंग बिरंगे, अरे हरे भरे खेत जो हैं वो रंग बिरंगे फूल से भर गए हैं। जो हरे भरे खेत है वह रंग बिरंगे फूल से भर गए हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं इसकी तीसरी व्याख्या देख लेते हैं, तीसरा पद्यांश इसका पढ़ लेते हैं। तीसरे पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, पहले इसके हम पढ़ते हैं इसको। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही संखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल गिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं इसके हम शब्दार्थ देख लेंगे। इसमें शब्दार्थ में रिलमिल का अर्थ हो गया मिलजुल कर, शिमिया हो गई फलियां, उसके बाद वृंत हो गए डंठल होते हैं ना, जो उनको हम क्या बोलते हैं वृंत। तो इसके ये शब्दार्थ थे कुछ। अब आपने लिखना है प्रसंग, उसी की तरह लिखना है जैसे आपने पहले प्रसंग, आपने सभी पद्यांश में प्रसंग आपने एक जैसा ही लिखना है, सेम लिखना है। उसके बाद आपने संदर्भ में चेंजिंग लानी है कि संदर्भ में आपने बताना है कि इस पद्यांश में जो है वो कवि क्या कहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पद्यांश में कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं। कवि जो है वो कह रहे हैं इस पद्यांश में कि कवि ने हरे भरे खेतों में लगे रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती हुई तितलियों का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने जो हरे भरे खेत है और रंग जो हरे भरे खेत है उनमें लगे हुए जो रंग बिरंगे फूल है उन पर जो तितलियां मंडरा रही हैं उसका वर्णन यहाँ पे इन्होंने किया है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसमें कवि कह रहे हैं कि मटर की बेलें तरह तरह रंगों के फूलों से मिलजुल कर हंसती मुस्कुराती खड़ी हैं। उनकी हरी भरी फलियां अपने भीतर बीजों की लड़ियों को छिपाकर मखमल की पेटियों की तरह लटकी हुई है। बेलों पर लगे रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे फूलों पर फूल ही गिर रहे हों और डंठलों पर जैसे डंठल ही उड़ उड़ कर घूम रहे हों। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, इस पद्यांश में कवि कह रहा है कि जो मटर हैं, मटरों के बारे में बता रहे हैं कि जो मटरों की बेलें हैं उन पर फूल लगाए हैं, मतलब अब मटरों की बेलें जो हैं लगी हुई हैं उन पर फूल लगाए हैं और वही फूल आगे उन्हीं फूलों से आगे जाकर मटर बनेंगे। तो उनकी जो हरी भरी फलियाँ हैं, जो हरी भरी फलियाँ हैं तो उनके भीतर क्या छुपे हुए हैं, बीजों की लड़ियां जो हैं वो छुपी हुई हैं और वो बिल्कुल मखमल की पेटियों की तरह
लटक रही हैं और बेलों पर जितनी भी प्रकार की बेलें लगी हैं उन पर रंग बिरंगे फूल जो है लगे हुए हैं और उन रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां जो हैं वो मंडरा रही हैं और उन रंग बिरंगे फूलों पर तितलियों को मंडराते हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फूलों पर फूल ही गिर रहे हों। मतलब फूल भी रंग बिरंगे हैं, तितलियाँ भी रंग बिरंगी हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे फूलों पर ही फूल ही मंडरा रहे हों और डंठलों पर जैसे डंठल ही उड़ उड़ कर घूम रहे हों। उन तितलियों को घूमकर देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे फूलों पर फूल ही मंडरा रहे हो और डंठलों पर डंठल ही उड़ उड़ कर घूम रही हो। ये किसके कारण लग रहा है? उन तितलियों के कारण। तो बच्चों आइए इसका भाव देख लेते हैं। भाव में आपने लिखना है कवि ने मटर के खेतों में शाही प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है कि कवि ने इसमें बताया हुआ है जो मटर के खेत है उसमें किस प्रकार की सुंदरता शाही हुई है उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये तीन पद्यांश समझ में आ गए होंगे। अगले पद्यांश के लिए हम इसका भाग दो बनाएंगे। तो आप भाग दो के पहले आप इसको देखिए, उसके बाद हम इसका भाग दो बनाएंगे।